अमीर अल अजीज। काई कबीले के लिए नई सरजमीन का शुक्रिया, सुलेमान शाह ने सलाम भेजा है। कुछ इतलात मिली है तुम्हारे कबीले के मुतालिक अर्दरुल, क्या तुम उसकी वजाहत देना पसंद करोगे? आपके मुशीर शहाबुद्दीन से गुफ्तगू हुई है, वो तमाम इतलात एक साजिश है। हमारे इत्तेहाद से खौफजदा सलीबी कुवतों की वबा फैलाने की कोशिश हमने नाकाम बना दी थी। ये उन्हीं लोगों की कारिस्तानी है, वो चाहते हैं कि वबा की ये झूठी अफवाहें असर कर जाएं। गलत बयानी कर रहे हो तुम अर्दरुल, जिन्हें आप सरहद के पार समझ रहे हैं वो दुश्मन आपके इसी महल में डेरे डाले हुए हैं, लेकिन आपको खबर नहीं। सुल्तान मुअज्जम, तुम यहां क्या कर रहे हो? नासिर, सुल्तान मुअज्जम कहां है? मुहाफिजो, तुम्हारी ये जरूरत, फौरन अल अजीज को खबर करो। सबर करो शहाबुद्दीन, तुमसे अमीर अली कदर जाती तौर पर तफ्तीश करेंगे। तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कुर्दोगलू कहां है? नहीं मालूम कि वो कहां गए हैं। हाँ, मुझे हुक्म दिया था उन्होंने कि रवानगी के लिए सामान बांध लूं। कह रहे थे कि उनको एक आम काम निपटाना है, कारवां में शामिल हो जाएंगे बाद में। कारवां में शामिल हो जाएंगे, इसका मतलब है कुर्दोगलू हमारे साथ चल रहा है। बताओ अलपरगु, क्योंकि मुझे मालूम है कुर्दोगलू का हर मामला तुम्हारे इल्म में होता है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, वो सुलेमान शाह के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन पूरी बात नहीं बताई मुझे। सफर की वजह से काफी बे आराम है मेरे सरदार। दुरुस्त कहा आपने दमीर भाई, अच्छा किया यहाँ कायम कर लिया, मवेशियों को भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अल्लाह सेहत दे इनको, हलब खैर आफियत से पहुंच जाए इंशाल्लाह। हाय माँ। सुलेमान,
सुलेमान, खुदा का शुक्र है कि आपको होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो बच्चों, थोड़ा पीछे हट जाओ, हवा आने दो सरदार को। जवाब दो मुझे, क्यों नहीं आ रहे सुल्तान मुअज्जम? मुझे इल्म नहीं कि अमीर अली कदर कब तशरीफ लाएंगे यहां। मैंने तो बहुत कहा कि शहाबुद्दीन से मिल लीजिए, वो मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने हुक्म दिया है कि किसी भी किस्म की नाइंसाफी ना की जाए आपके साथ, और यह जिम्मेदारी उन्होंने मुझ खाकसार को सौंपी है। तुम जा सकते हो नासिर। या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। तू जुल्म नहीं करता किसी पर भी, जालिम को नीस तो नाबूद कर दे, दुश्मन मुझे मार भी दें फिर भी तेरा नाम हमेशा ऊंचा रहने वाला है। तुर्क जर्रार और तरुण साहब, आपके लिए पैगाम है मेरे पास। टाइटस ने कहलवाया है कि शाहीन पिंजरे में है, अब तुम्हारी बारी है।
अल्लाह। बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें? किसके आदमी हो तुम? बताओ बताओ, मेरा आदमी कहाँ है? बोलो बोलो, शहजादा कहाँ है? बताओ मुझे।